लेखा शास्त्र की क्लास में बेटा आपका स्वागत है। अपन बेटा व्यवसायिक सौदे का लेखांकन पढ़ रहे हैं। व्यवसायिक सौदे का लेखांकन, उसके पहले अपन ने उसमें 3.3 में अपन ने प्रमापक पढ़े थे। प्रमापक क्या है, प्रमापक का अर्थ पढ़ा था और प्रमापक के निर्माण कैसे किया जाता है और प्रमापक के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रमापक का अर्थ, परिभाषा और आशय और प्रमापक के प्रकार कितने होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं बेटा, रोकड़ी वाहक और गैर रोकड़ वाहक। तो दो प्रकार के प्रमापक हो गए। आज अपन 3.5 में तो सौदे का अर्थ और लेखांकन समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो बेटा आपके लिए, आप 10वीं पास करके आए हो बेटा, तो आपके लिए नया विषय है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देकर पढ़ना होगा बेटा। तो सबसे पहले है बेटा सौदे का अर्थ एवं लेखांकन समीकरण। तो सौदे का कर मतलब सौदा, सौदा मतलब दो पक्षों के बीच में होने वाला। तो दो पक्षों के बीच में मतलब मुद्रा, दो पक्षों के बीच में होने वाला मुद्रा का माल या सेवाओं के आदान प्रदान के व्यवहार, लेन देन सौदा कहा जाता है। मतलब दो पक्षकार होंगे तभी क्या होगा बच्चों, सौदे का लेन देन होगा। तो उसमें माल की सेवा आदान प्रदान और व्यवहार, लेन देन क्या कहलाता है। जो आपको बता दूं, लेन देन का इससे बहुत महत्व है अकाउंट में, है ना। लेखा खाता, लेन देन, दारी देनदारी, माल माल आया व्यय हुआ, ये सब उसका उपयोग किया जाता है। मतलब दो पक्षों के बीच में होने वाला माल या सेवाओं के आदान प्रदान को सौदा कहा जाता है। दो नंबर का प्रश्न आता है बेटा, सौदे का अर्थ लिखिए, सौदे का आशय लिखिए, तो आपको ये उपयोगी है बेटा, है ना। तो व्यापारिक सौदे के भी कई रूप होते हैं, जैसे माल खरीदना और माल बेचना और व्यय का भुगतान करना। तो इस प्रकार से आप, जैसे बताऊं मैं बेटा, तो आपको माना, मान लीजिए किसी व्यापार कोई भी वस्तु आपने विक्रय की, तो वस्तु क्रय विक्रय तो दो पक्षों के बीच में हुआ ना, एक ने क्रय की और दूसरे ने क्या किया, विक्रय किया। तो माल खरीदना, व्यय का भुगतान, बैंक में राशि जमा, बैंक से आपने राशि निकाली, और व्यवहार और नगद, मतलब जो व्यवहार होते हैं। उसके बाद आपको बता दूं बेटा, बैंक में रुपया जमा करना, निकालना, व्यवहार, नगद या उधार, ये भी क्या कहलाता है, सौदे के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बेटा खाता। सबसे पहले खाता क्या होता है, खाते की परिभाषा लिखिए। अगर आया प्रश्न में पूछा गया 2 नंबर के प्रश्न में खाता क्या होता है, तो आपको लिखना है एक निश्चित अवधि में, आपको खाता खोलने की प्रक्रिया सभी को मालूम है बेटे, एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है उसका आय व्यय से संबंधित लेन देन, मतलब जो उसको जिसको आय प्राप्त हुई, उसने जो पैसा निकाला, लेनदारी देनदारी की, तो लेखा को खाता कहते हैं। मतलब इसे सामूहिक लेखे को, मतलब जो सामूहिक रूप से जो लेखा है उसे उस लेखे के उसे क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। लेन देन को क्रमानुसार एक साथ लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है, मतलब मोहन का खाता। खाता किसका खोला, मान लीजिए मोहन ने खाता खोला, तो मोहन के खाते में क्या आएगा, आय आई, उसने क्या व्यय किया, उसे क्या प्राप्त हुआ, उसने कब आहरण किया, कब जमा किया, तो वो किसका खाता है, मोहन का खाता है। तो उसको लेन देन का, तो खाते की एक परिभाषा ये हो गई बेटा, एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा आय और व्यय से संबंधित सभी लेन देनों के सामूहिक लेखे को क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। तो ये कोई खाते की परिभाषा होगी बेटा। उसके बाद है खाते के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो खातों में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो पहला पक्ष हुआ डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। डेबिट मतलब नाम है ना। फिर लेखांकन समीकरण क्या है आपको बता दें।
लेखांकन समीकरण का अर्थ, आशय, परिभाषा। अगर प्रश्न में पूछा जाए लेखांकन समीकरण क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा बेटा। तो आप इसमें आप आशय भी लिख सकते हो, परिभाषा भी लिख सकते हो और अर्थ भी लिख सकते हो। तो लेखांकन समीकरण से तात्पर्य होता है किसी व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक, मतलब कोई भी व्यापार हो या गैर व्यापार, संस्था का कुल संपत्ति का योग, मतलब उस संस्था की कुल संपत्ति जो होती है उसका योग, और दायित्व के योग के बराबर होता है। तो ये समीकरण का क्या हुआ बेटा, अर्थ, तात्पर्य, आशय। अगर दो नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है कि किसी व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संस्था कुल संपत्ति का योग और दायित्व के योग के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, समीकरण, लेखांकन समीकरण कहते हैं। अर्थात आपको जिनके पास जितनी संपत्तियां होती हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसके पास जितनी संपत्ति होगी उसके पास उतने ही दायित्व होते हैं, इसी से समीकरण लेखांकन उत्पन्न होता है और जो समीकरण लेखांकन कहलाता है। तो ये आपने क्या देखा बेटा, समीकरण लेखांकन का अर्थ। तो समीकरण लेखांकन मतलब संपत्ति, मतलब जितनी चीज, मतलब व्यापारिक और गैर व्यापारिक जितनी संपत्ति है संपत्ति के बराबर दायित्व भी होंगे और प्लस उसमें पूंजी भी होगी, तो वो कहलाएंगे लेखांकन समीकरण कहलाएंगे। फिर किसी व्यवसाय में वस्तु जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है वे क्या कहलाती है, संपत्ति। अगर प्रश्न में किसी एक नंबर के प्रश्न में अगर पूछा गया बेटा संपत्ति किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे किसी व्यवसाय में वस्तु जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है उसे संपत्ति कही जाती है। संपत्तियों के अधिकार में समता, मतलब समता, यूक्लिडियस भी कहते हैं इसको, इक्वल्स ना कभी कहा जाता है। आपको लेखे के अंतर बेटा हिंदी के वर्ड का भी आप उपयोग कर सकते हो और आपको इसमें इंग्लिश का भी, आपको जो सुविधा, मतलब हिंदी में लिखना हो जैसे कि आप संपत्तियों को मान लो असेसमेंट कहेंगे, लेकिन आप लेकिन हिंदी का उपयोग करो बेटा क्योंकि आपके लिए नया विषय है अभी। तो हिंदी मीडियम के छात्रों को लेखांकन में हिंदी का उपयोग ज़्यादा उचित रहे। फिर मुख्य समता के दो प्रकार होते हैं, मतलब संपत्तियों के अधिकार को क्या कहते हैं, समता कहा जाता है। तो समता के भी दो प्रकार होते हैं। तो पहला होता है बेटा व्यवसाय में स्वामित्व की समता, मतलब जो व्यवसाय है उसमें खुद के स्वामित्व की समता। फिर ऋणदाता, जो ऋणदाता हुआ आप ऋण, अगर किसी बैंक से आप उधार लो ये उसे ऋणदाता की समता, मतलब जो समानता क्रिएशन है वो आएगा। फिर जिसे वाह देवता भी कहा जाता है, मतलब वाह देवता मतलब जो बाहर की देवता है, मतलब उनको जो देनदारियां हैं उसे कहा जाता है। फिर व्यवसाय की स्वामी की समता को पूंजी कहा जाता है। उसके अंतर्गत आपको ऋणदाता जो है समता में व्यवसाय जो ऋण लिया उसमें आपको बता दूं बेटा संपत्ति, दायित्व और पूंजी, ये समीकरण आपका हमेशा चलता रहेगा। फिर समीकरण में मदों का स्पष्टीकरण, जो ऋणदाता की समता व्यवसाय, मतलब जो प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसाय पर आर्थिक, आपको बताऊं बेटा जो समीकरण होते हैं उनमें आपको संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो संपत्ति के अंतर्गत आपके लिए आएगा बेटा हस्त, हस्तरोकड़ आएगा, और उसके बाद आएगा बेटा देनदारी, इसी के अंदर में आएगा देनदार कहें या देनदारी कहें, ये आपके संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। उसमें आ जाएगा स्कंद, फर्नीचर,
और अंतर्गत देनदार भवन मशीनरी ख्याति मतलब बेटा गुडविल होता है ना, जिससे आप ख्याति हो गया बेटा, और उसके बाद हो गया विनियोग, फर्नीचर, ये सब संपत्तियों के अंतर्गत आए। तो आप जब चिट्ठा बनाएंगे, स्थिति विवरण बनाएंगे, तो आप उसमें इन सब मदों को आप किस मद में लेंगे, संपत्ति वाले मद में लेंगे। उसके बाद हो गया है बेटा दायित्व, दायित्व मतलब लाइबिलिटीज हो गए, तो दो मतलब आपको बताया बेटा समीकरण लेखांकन में मतलब संपत्ति दायित्व और पूंजी। तो आपके दायित्व में क्या आएंगे, लेनदार, इसमें देनदार है बेटा, इसमें आएंगे लेनदार, लेनदार हो गए बेटा, और बैंक अधिविकर्ष हो जाएंगे, बैंक से ऋण, आदत व्यय, बैंक ऋण, आदत व्यय और ये सब काय में आएंगे बेटा, आपके मतलब कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, क्षति और बैंक में से ऋण, आदत व्यय और बैंक के अधिविकर्ष, ये सब काय में आएंगे आपके बेटा दायित्व में आएंगे। और कैपिटल, कैपिटल मतलब आपकी लेनदारी के लिए सबसे मुख्य, मतलब आपने किसी व्यवसाय में कितना पैसा खर्च किया, तो इसके अंतर्गत आपको यह स्थिति विवरण बनाना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यवसाय में, व्यवसाय मतलब जो प्रत्येक व्यवसाय होती है, व्यवसाय की क्या होती है, आर्थिक स्थिति होती है, उसके ज्ञान मतलब उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या बनाओगे, वित्तीय वर्ष के लिए एक क्या बनाओगे, स्थिति विवरण या पत्रक बनाओगे। उसमें आपको स्थिति विवरण को आप क्या कहते हैं बेटा, स्थिति विवरण, उसको आप इंग्लिश में बैलेंस शीट भी कहते हैं। उसमें दो पक्ष होते हैं, दायित्व और संपत्ति का, कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो स्थिति विवरण कैसे बनेगा, दायित्व और संपत्ति और दायित्व के माध्यम से बनेगा। उसके दो पक्ष हैं, दायित्व हो गया एक बेटा और एक हो गया संपत्ति। तो संपत्तियों के अंतर्गत हस्तरोपण, लेनदार, भवन, मशीन दिया गया, और दायित्व में आएगा लेनदार, बैंक से ऋण, देय विपत्र, और कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, और कर्मचारियों मतलब क्षतिपूर्ति कोष, ये सब काय में आएंगे आपके दायित्व में। आप मान लीजिए आपने पूंजी लगाई किसी व्यापार के लिए 1 लाख रुपए, और उसकी देनदारी कितनी है 10,000, और आपने उसका ऋण कितना हो गया, तो आपको व्यवसाय आपका आपने ऋण कितना ले लिया 15,000 रुपए मान लीजिए, तो आपका वो क्या हो गया, वो दायित्व हो गए। आपका दायित्व था, आपने एक व्यवसाय खोला, और उस पे कुल व्यय कितना हो गया आपका 1,25,000 मान लीजिए, ठीक है। फिर आपने संपत्ति उससे कितना व्यय किया संपत्ति के लिए, तो आपने रोकड़ कितना दिया, बैंक में रोकड़ कितना दिया, देनदारी कितनी दी, फर्नीचर के लिए आपने कितना व्यय किया, मशीनरी आपने कितने में खरीदी, आपने भवन जो लिया वो कितने में लिया, ये सब आपका क्या आ जाएगा, आपके आपकी संपत्तियों वाले उसमें आ जाएगा। तो आपको अतः मतलब इसको स्थिति विवरण बनाने के लिए दो पक्षों के योग की राशि भी कैसी होती है, समान होती है, और लेखांकन समीकरण में अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए स्थिति विवरण की जानकारी आवश्यक है। और स्थिति विवरण का एक काल्पनिक उदाहरण मतलब आपको मैं एक उदाहरण सहित बता रही हूँ स्थिति विवरण कैसे बनेगा। तो स्थिति विवरण के लिए आपको बैलेंस शीट, स्थिति विवरण को आप बैलेंस शीट भी कहते हो। तो कौन से मतलब अकाउंट के लिए बनेगी, सबसे पहले तो दो कॉलम बनेंगे इसमें आपके,
नहीं होता है, फाइन बेटा यहाँ पर राशि आ जाएगी आपकी और यहाँ पर आ जाएगा संपत्ति और यहाँ पर भी आएगा राशि। तो दायित्व में क्या हो जाएगा बेटा आपका, सबसे पहले आएगा पूंजी, सबसे पहले आपने दायित्व में खर्च किया पूंजी, तो पूंजी कितनी हो गई आपकी 1,00,000 है ना। तो और आपके लेनदार कितने आ गए, दायित्व में ही आते हैं लेनदार, लेनदार हो गए आपके कितने हो गए, लेनदार का आपको कितना देना है 10,000 और उसके बाद आपका ऋण मान लीजिए कितना है, आपने बैंक से ऋण लिया वो भी आपके दायित्व के अंतर्गत आया तो वो हो गया आपका 15,000। इस प्रकार से आपने आपके कुल दायित्व की राशि हो गई 1,00,000। फिर आपकी संपत्तियां, संपत्तियों के अंतर्गत आपको आपको आपका क्या आएगा, संपत्तियों के अंतर्गत आप लेंगे आपको रोकड़, मतलब आपने कितना कैश लगाया ये हो गया रोकड़ है ना। फिर उसके बाद हो गया बैंक में रोकड़, मतलब आपके पास हाथ में कितना पैसा है बैंक में, ये हो गया बैंक में रोकड़। फिर उसके बाद है देनदार, आपके देनदार कितने हैं, तो आपने रोकड़ कितनी लगाई बेटा 11,000 रुपए, और आपने आपके पास बैंक में कितने हजार है 9,000 रुपए हैं, आपके पास बैंक में 9,000 रुपए हैं और आपकी देनदारी कितनी है 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए आपकी देनदारी हो गई। फिर अंतिम स्टॉक, अंतिम मतलब आपके पास जो अंतिम स्टॉक बचा उसमें आपके पास क्या है ना। फिर फर्नीचर, आपने जो भी व्यवसाय शुरू किया उसके लिए आपको फर्नीचर, फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद आपका आएगा मशीनरी और भवन, तो मशीनरी में आपने कितना व्यय किया और अगर कोई व्यवसाय शुरू करोगे तो उसके लिए भवन भी आए, तो आपका जो अंतिम स्टॉक है वो कितना है, अंतिम स्टॉक है आपका 8,000 रुपए और फर्नीचर पे आपने कितना व्यय किया, फर्नीचर पे आपने किया 12,000 रुपए। मशीनरी पे आपने खर्च किया 25,000 रुपए और भवन पे आपने किया 55,000 रुपए। एक लाख 25,000 रुपए, तो आपके दायित्व कितने थे, आपके दायित्व भी आपके पास कितने थे 1,25,000 रुपए के आपके पास दायित्व थे और आपकी जो संपत्तियां हैं वो भी कितने की हो गई 1,25,000 रुपए की आपकी संपत्ति। तो आप इस प्रकार से क्या बना पाओगे बेटा, आपको स्थिति बैलेंस ही आपको बनानी होगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आपने आज पढ़ा सौदे।